17 सितंबर 2005 की एक सुबह आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट के सामने एक उम्र रसीदा शख्स लिबास दरीदा जबान खामोश है इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया है बोलने से माजूर है कागज पर लिखता है 3-3-5-1-3-9 What? 40 साल बाद मकबूल हुसैन But he was missing believed killed. सिपाही का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है उस सिपाही है मकबूल हुसैन सिपाही मकबूल हुसैन सितंबर 1965 में कैप्टन शेर की कयादत में मिशन पर रवाना होता है उसका भाई मक्खन खान दो बहनें उसकी मंगेतर और उसके वालिद और वालिदा उसे अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं की छाँव में खुदा हाफिज कहते हैं ये मिशन मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उसके असलह के डिपू और दूसरी तनसीबात को तबाह करने पर मबनी था ताकि दुश्मन की इस तैयारी पर बर वक्त कारी जर्ब लगाई जा सके जो वो पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा था मकबूल हुसैन शाने पर वायरलेस सेट रखे हाथ में राइफल लिए मार्के में उतरता है मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपने बेस की तरफ वापस आती है लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के फायर की जद में आ जाता है और दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और ना ही उसका इंदराज सिविल कैदियों की फहरिस्त में है 1965 और 1971 के जंगी कैदियों के तबादले में भी उसका कहीं जिक्र नहीं नतीजतन वो मिसिंग बिलीव्ड किल्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है कौन जाने सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती कैद तन्हाई तंगो तारीख दिन रात मौसमों की सख्ती इंसानियत सोज मजालिम जानवरों की तरह रींगने का हुक्म जिस्मानी ऐजा के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत की नाकाबिले यकीन मिसाल है जवाब दो बोलते क्यों नहीं हो सच बताओ पाकिस्तान में कहां कहां फौजी ठिकाने हैं तुम्हें सब राज उगलने होंगे बोलो जो कुछ तुम्हें हम कहते हैं सिपाही मकबूल हुसैन पर खूंखार कुत्ते भी छोड़े जाते हैं जो उसकी पिंडलियां चबा डालते हैं लेकिन वो अपने मौकफ पर डटा हुआ है उसकी जबान पर एक ही नारा है बुझा जो रोजने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी चमक उठे हैं सिलासिल तो हमने जाना है कि सहर अब तेरे रुख पे बिखर गई होगी पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद उस कैद खाने की दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती हैं वो हर जगह लिख देता है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद काट दो इसकी जबान काट दो और फिर उसकी जबान काट दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान जाकर कभी भी बता ना सके कि उसके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया उसे नफ्सियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है और जब 40 साल बाद वो इस सरजमीन पर लौटता है तो आज उसके इस्तकबाल के लिए उसके गांव में न तो उसका भाई मक्खन खान था और ना उसके बचपन में उसके साथ खेलने कूदने वाला कोई शख्स बस
چند قبریں تھیں اور ایک حوصلہ. مگر کون جانے جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. اور آج 40 سال بعد سپاہی مقبول حسین نمبر 3351 39 ڈیوٹی پر پھر حاضر ہے. اس کے ساتھ کیا بیتی, اس نے کیسی اذیتیں جھیلی, ہمیں کون بتائے گا؟ یقیناً اس کی کہانی کے پاس یہ سب جواب ہیں جو آج ہمارے سامنے. ایک ایسے زندہ کردار کی کہانی جو اس وقت بھی ہم سب کے درمیان موجود ہے. وطن پرستی, فرض شناسی, قربانی و اشار اور ثابت قدمی کی عظیم روایت کا پاسواں کردار سپاہی مقبول حسین. کہ سپاہی مقبول حسین ریوائیوڈ ہز میموری, ورنہ شاید ہم کبھی بھی نہ یہ جان سکتے کہ ہمارے سپاہی مقبول حسین کے ساتھ ہندوستان میں کیسا سلوک کیا گیا. مقبول حسین, آپ کی زندگی کے 40 خوبصورت سال عذاب کی نظر ہو گئے. اب انشاءاللہ ہم اپنی سی کوشش کریں گے کہ ستمبر 2005 کی ایک صبح آزاد کشمیر ریجیمنٹل سینٹر کے کمانڈنٹ کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص, لباس دریدہ, زبان خاموش ہے, اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آ گیا ہے. بولنے سے معذور ہے, کاغذ پر لکھتا ہے 3351 39. What? 40 years بعد مقبول حسین? But he was missing, believed, killed. سپاہی کا چہرہ سچائی سے دمک رہا ہے. اس سپاہی ہے مقبول حسین. سپاہی مقبول حسین, ستمبر. ستمبر 2005 میں بھارتی فوج نے سپاہی مقبول حسین کو ماہی گیروں کے تبادلے میں واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان بھیج دیا. پاک فوج نے اپنے اس کوہرے نایاب کو پہچان کر ہاتھوں ہاتھ لیا. اس وقت سپاہی مقبول حسین سی ایم ایچ میں پاک فوج کی توجہ سے بھرپور نگہداشت, بہترین علاج اور اپنی زبردست قوت ارادی کی بدولت تیزی سے روبہ صحت ہیں. سپاہی مقبول حسین نہ صرف پاک فوج بلکہ پوری قوم کے ہیرو ہیں. آج پاکستان کا بچہ بچہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے. تمہارا بھی تم پاس بند سکھی یہ چمن, تمہارا بھی تم نغمہ سکھی یہ بدن, تمہارا ہے تم پاس بند سکھی Thank you.
चमन के फूलों पर रंग आब तुमसे है, इस जमीन का हर दर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बात से की भाई मकबूल हुसैन, पूरी पाकिस्तानी कौम को आपके कारनामे पर फख्र है, हम सब आपको सलूट करते हैं। सजीले जवान